सो फाइनली दोस्त यार आप लोग के लिए एक और प्यारी वीडियो के साथ मैं आ चुका हूँ। और दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ टुनाइट अपडेट के बारे में कि आज रात 12 बजे के बाद क्या आएगा गेम के अंदर। एंड साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो के अंदर और भी अपडेट्स शेयर करने वाला हूँ, जैसा कि दोस्तों बात करने वाले गेम के अंदर आने वाले एक बिल्कुल ही नए कॉस्ट्यूम के बारे में। एंड साथ ही साथ दोस्तों एक नया फेडेड व्हील भी आने वाला है जिसके अंदर और भी लेजेंडरी आइटम दिए जाएंगे। एंड इतना ही नहीं दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ गेम के अंदर हम लोगों को कुछ पुराने इंक्यूबेटर के कॉस्ट्यूम भी रिटर्न बैक देखने को मिलने वाले हैं। एंड साथ ही साथ दोस्तों आप लोग के लिए 7th एनिवर्सरी स्पेशल एक और गिव इवेंट भी आने वाला है। एंड इतना ही नहीं मेरे दोस्तों आप लोग को रैम्पेज इवेंट की थीम पर बेस्ड M1014 की स्किन भी वापस अवेलेबल कराई जाने वाली है। तो ये सारे अपडेट्स मैं शेयर करने वाला हूँ, लेकिन इन सारे अपडेट्स को जानने के लिए आप लोगों को करना होगा वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर सेट करके वीडियो को शेयर कर देना होगा। एंड दोस्तों इस वीडियो पर ज़्यादा नहीं सिर्फ 1000 लाइक का टारगेट करते हैं, मेरे ख्याल से आप सभी लोग कंप्लीट करवा दोगे। तो सभी लोग यार जल्दी से लाइक करो एंड 1K लाइक का टारगेट कंप्लीट कर दो। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो के अंदर एंड सबसे पहले बात कर लेते हैं गेम के अंदर आने वाले नए फेडेड व्हील इवेंट के बारे में। तो दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर जो ये कॉस्ट्यूम देख रहे हो जो कि यार काफ़ी ज़्यादा प्यारा एंड काफ़ी ज़्यादा खतरनाक कॉस्ट्यूम है। खतरनाक इस वजह से दोस्तों क्योंकि इस कॉस्ट्यूम का जो थीम है या फिर बेस है वहाँ पर अगर आप लोग ध्यान दोगे तो भाई स्नैक बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों आप लोग इस कॉस्ट्यूम के टॉप पर देखो तो सांप बना हुआ देखने को मिल जाएगा। तो इसी वजह से ये खतरनाक कॉस्ट्यूम है एंड नेक्स्ट फेडेड व्हील इवेंट के अंदर यही कॉस्ट्यूम आने वाला है। बात कर लेते हैं इंक्यूबेटर के बंडल्स के रिटर्न बैक के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों जो स्क्रीन पर बंडल दिख रहा है, जी हाँ दोस्तों, जिसका नेम रहने वाला है ग्लेशियर सोल्जर बंडल। एंड ये शानदार सा प्यारा सा हमारा बहुत ही रेयर पुराना इंक्यूबेटर है एंड ये इंक्यूबेटर के कॉस्ट्यूम आप लोगों को वापस से देखने को मिलने वाले हैं। एंड जिस मंथ के अंदर आने वाला है वो दोस्तों अगस्त महीना रहने वाला है, अगस्त मंथ के अंदर आप लोगों को ये बंडल देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों विश एंड विन इवेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इस चीज़ को मैं इस वजह से दिखा रहा हूँ क्योंकि गरेना फ्रीफायर ने यहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों के साथ स्कैम कर दिया है। जी हाँ दोस्तों हमारे इंडिया शो में फ्री फायर ने गिववे किया है जहाँ पर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ वो एक बंडल दे रहा है एंड कुछ कपड़े हम लोग को अवेलेबल करा रहा है। लेकिन यहाँ पर मैंने अदर स्टोर के अंदर चेक किया तो जो फ्री फायर 7th एनिवर्सरी स्पेशल गिववे दे रहा है उसके अंदर यहाँ पर वो बहुत ही ढेर सारे आइटम जैसे कि आप लोगों ने देखा हेडफोन, मोबाइल फ़ोन, इसके अलावा लैपटॉप और भी रेयर आइटम दे रहा है इस गिववे के अंदर। तो भाई आप लोगों को क्या लगता है गरेना फ्री फायर यहाँ पर भेदभाव वाला सीन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कमेंट करके बताइएगा। बाकी का दोस्तों यहाँ पर देखते हो स्मार्ट वॉच के साथ साथ आप लोग को हेडफोन वगैरह एंड सही साथ दोस्तों आईफोन वगैरह अवेलेबल कराया जा रहा है। चलिए ये सारी चीज़ें छोड़ते हैं और बात कर लेते हैं हम लोग को बहुत जल्दी जो एक रिडीम कोड मिलने वाला है उसके बारे में। तो आप लोगों ने तो सुना ही होगा कि फ्री फायर ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप यहाँ पर लेकर आ रहा है जो कि दोस्तों वर्ल्ड लेवल पर चलने वाला है। एंड यहाँ पर दोस्तों हर कंट्री के प्लेयर गेम प्ले वगैरह करने वाले इस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। एंड दोस्तों तो आप लोगों को पता होगा जब भी गरेना फ्री फायर ऐसा कुछ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करता है तो वो वहाँ पर वॉचिंग का माइलस्टोन रखता है एंड जब माइलस्टोन कंप्लीट होता है तो उसके बदले में हर एक प्लेयर को यहाँ पर रिडीम कोड मिलता है जिसके अंदर से रिवॉर्ड मिलता है। तो रिडीम कोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। एंड मैं आप लोगों को आने वाली वीडियोज़ के अंदर दोस्तों बहुत जल्दी सुपर हीरोज जो कि 7th एनिवर्सरी के बाद इवेंट आने वाला है उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी शेयर करने वाला हूँ। तो याद से चैनल पर बने रहो और सब्सक्राइब करके रख लो। इसके बाद बात करते हैं रैम्पेज इवेंट की थीम पर बेस्ड M1014 स्किन के बारे में। तो देखो दोस्तों ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल के आई हुई थी कि आप लोग को रैम्पेज वाली M1014 की स्किन 7th एनिवर्सरी स्पेशल इवेंट के दौरान दी जाएगी, लेकिन भाई प्रेजेंट टाइम पर जिस तरीके से इंडिया सर्वर के अंदर हालात चल रहे हैं एनिवर्सरी इवेंट के उसको देखते हुए ऐसा नहीं बोला जा सकता है कि भाई रैम्पेज इवेंट की ये M1014 स्किन आ सकती है। मुझे तो जहां तक लगता है भाई इसको पोस्टपोन कर देगा गरेना, इसकी जगह पर कुछ और ही कर देगा क्योंकि भाई बीच में इन्होंने नरूतो वाला जो इवेंट ले आया है गेम के अंदर जिसके चलते काफी चीजें पोस्टपोन हो जा रही हैं। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं गेम के अंदर आने वाले जर्सी रॉयल इवेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों वही जर्सी रॉयल इवेंट जहां पर आप लोगों को अपनी मन पसंदीदा जर्सीज मिलती हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बताओ कि आपकी फेवरेट जर्सी कौन है एंड उस जर्सी का कलर क्या कुछ रहता है मुझे कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा। एंड अब आप लोग पूछोगे कि भाई ये जर्सी रॉयल इवेंट कब आएगा, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं हमारे गेम में हर साल जर्सी रॉयल इवेंट देखने को मिलता है सिर्फ और सिर्फ एक बार एंड वो जब आता है तब हम लोग को सिर्फ और सिर्फ अगस्त मंथ के अंदर ही देखने को मिलता है। तो अगस्त महीने के अंदर हमारा जर्सी रॉयल इवेंट आएगा एंड उसी जर्सी रॉयल इवेंट के दौरान ये हम लोग को यहाँ पर ब्लैक एंड जो व्हाइट जर्सी है ये भी उसी जर्सी रॉयल के अंदर ही देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों मॉनसून ओरोकी की थीम पर भी जो नई ब्लैक टी शर्ट आई थी एंड जो पुरानी ब्लैक
टी शर्ट एंड व्हाइट टी शर्ट है, ये तीनों के तीनों आइटम उसी जर्सी रॉयल के अंदर ऐड करके हम लोग को अवेलेबल कराए जाएंगे। इस चीज के लिए गरेना फ्री फायर आप लोग को भयंकर लालच देगा जिससे आप लोग अपने डायमंड को वेस्ट करो और गरेना फ्री फायर वापस से आपको लूट सके। चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ जो कि दोस्तों है गोल्डन शेड बंडल के रिगार्डिंग। जी हाँ, यहाँ पर हमारे एक प्यारे से सब्सक्राइबर ने, बहुत ही क्यूट सब्सक्राइबर था, उसने कमेंट करके पूछा था कि भैया गोल्डन शेड बंडल आएगा कि नहीं आएगा। उसने मुझसे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करके पूछा था। दोस्तों अगर आप लोग भी इंस्टाग्राम पर मुझसे बात करना चाहते हो तो लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जाकर फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। तो दोस्तों जो हमारा गोल्डन शेड का ये प्यारा सा कॉस्ट्यूम है, ये आप लोगों को दिवाली इवेंट के दौरान देखने को मिलेगा जब दिवाली विश इवेंट आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो जैसा कि आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन सुनी थी कि भाई आप लोग को एनिवर्सरी स्पेशल गोल्ड रॉयल इवेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो क्या लगता है गरेना फ्री फायर हम लोग को एनिवर्सरी स्पेशल गोल्ड रॉयल इवेंट देगा कि नहीं देगा? तो भैया देखो, ये सारी चीज़ें तो मैं आप लोगों को कन्फर्म नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ एक चीज़ कन्फर्म बोल सकता हूँ, लगभग 24 या 25 दिन के बाद हमारा नया गोल्ड रॉयल बंडल आने वाला है। तो अगर आप लोग को जानना है कि जो हमारा नया गोल्ड रॉयल आएगा 24-25 दिन के बाद जो चेंज होकर आएगा उसके अंदर कौन सा बंडल आएगा, अगर वो चीज़ जानना है तो कमेंट करके बताओ। कल की आने वाली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई नया गोल्ड रॉयल क्या कुछ रहेगा। बाकी का इस स्पेशल गोल्ड रॉयल के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे तो ये मुझे जहां तक लग रहा है कि भाई कैंसिल होने वाला है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं गेम के अंदर आने वाले नरूतो इवेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा फ्री फायर ने हमको यहाँ पर थोड़ा सा भाई गेस करने को बोला कि भाई ये कौन सा इवेंट है, एंड उसके बाद अगले दिन खुद ही रिवील कर दिया कि यहाँ फ्री फायर ने नरूतो के साथ कोलैब किया, एंड ये भी रिवील कर दिया कि ये कोलैब इवेंट अब आप लोग को 2025 यानी अगले साल के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो भाई गरेना फ्री फायर सस्ते नशे कर रहा है इस टाइम पर, क्या ही बोलें। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट ईवो वॉल्ट इवेंट के बारे में, एंड दोस्तों कोबरा MP40 के बारे में भी एक भाई ने पूछा था। तो भाई देखो, प्रेजेंट टाइम पर कोबरा MP40 यहाँ पर वापस तो नहीं आने वाली है, लेकिन हाँ नेक्स्ट ईवो वॉल्ट के अंदर दो गन कन्फर्म हो चुकी हैं। हमारी ईवो पैराफल फिर से वापस से देखने को मिलेगी, एंड ईवो एमोनिटेड 7 की स्किन आने वाली है। अब बढ़ते हैं अपने टुनाइट अपडेट के बारे में कि आज रात 12 बजे के बाद क्या आएगा। तो देखो दोस्तों, आज रात 12 बजे के बाद कुछ तो नहीं आने वाला, लेकिन हाँ कल यानी दोस्तों 15 जुलाई के बाद जो यहाँ पर हमारा टुनाइट अपडेट रहने वाला है वो दोस्तों ये लकी व्हील इवेंट रहने वाला है। जी हाँ, आप लोग इन पर जो ये प्यारा सा कॉस्ट्यूम देख रहे हो यही हमारा रहने वाला है लकी व्हील इवेंट का मेन बंडल, एंड इसके अंदर आप लोग को एक क्रेट दिया जाएगा जहाँ पर फिश की स्किन भी आप लोग को मिलने वाली है। एंड दोस्तों मैं आप लोग को एक चीज़ ये भी शेयर कर देता हूँ कि भाई अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ टुनाइट अपडेट की कोई भी इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आई हुई है, लेकिन हाँ वीडियो डालने के बाद अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है टुनाइट अपडेट की तो वो मैं शेयर कर दूंगा आप लोग को मेरे इंस्टाग्राम पेज पर। तो दोस्तों आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इंस्टाग्राम अकाउंट की, साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल के भी, तो दोनों जगह पर मैं अपडेट शेयर कर दूंगा। तो आप लोग जाकर व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। अगर कोई भी टुनाइट अपडेट आता है आज रात के लिए तो मैं वहां पर अपडेट कर दूंगा। बाकी के दोस्तों कल यानी 15 जुलाई का जो यहां पर हमारा टुनाइट अपडेट रहने वाला है वो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, यही लकी व्हील इवेंट आप लोगों को गेम के अंदर अवेलेबल कराया जाएगा। तो ऐसे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, 1K लाइक।